अच्छी उपज होने के बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। यहां की मंडियों में प्याज का रेट लागत मूल्य से काफी कम मिल रहा है। खंडवा मंडी में लहसुन बेचने पर लागत मूल्य तो दूर, वाहन के भाड़े के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि कड़ी मेहनत से उपजाऊ फसल को अब किसान नष्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। खंडवा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ किसान अपनी उपज नाले में फेंक रहे हैं। खंडवा के ही किसान कमलेश पटेल ने बताया कि एक एकड़ प्याज की फसल उपजाने में करीब 60,000 रुपए की लागत लगी थी और प्याज निकली है 100 कट्टे। मंडी में 1 रुपए प्रति किलो बिक रही है। लागत तो दूर की बात है, मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए कुछ किसान प्याज को खेत में ही रहने दे रहे हैं। वहीं कुछ किसानों ने प्याज को सुनसान जगह या नाले के पास फेंकना शुरू कर दिया है। खंडवा से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किसान शहर की सड़कों पर फ्री में प्याज बांट रहे हैं। फ्री में प्याज लेने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। खंडवा के भेरूखेड़ा का किसान घनश्याम प्याज की उपज लेकर मंडी पहुंचा था। यहां जब प्याज की कीमत सुनी तो चौंक गया। किसान की प्याज 1 रुपए प्रति किलो तक खरीदी जा रही थी, जबकि किसान का कहना है कि प्याज पर 6 रुपए प्रति किलो की लागत आ रही है। Hey, 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 hey